नमस्कार दर्शकों, मैं आरएस अग्नोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे धनु राशि वालों के बारे में। धनु राशि वालों के लिए लास्ट फरवरी से जुलाई तक का समय, लगभग 5 महीनों का समय कैसा रहने वाला है। पिछला समय कुछ परेशानियों वाला था, धनु राशि वाले काफी दिनों से परेशान चल रहे थे, लेकिन अब आने वाला जो समय है 5 महीने का, ये कैसा बीतने वाला है, ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी, क्या शुभ होगा, क्या अशुभ होगा, क्या सावधानी रखना है, क्या उपाय करना है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है, नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रहों की स्थिति के बारे में, राशि परिवर्तन के बारे में। ग्रहों की स्थिति के बारे में बात करें तो मंगल आपकी कुंडली में मकर राशि में, शुक्र और मंगल दोनों धन भाव में गोचर करेंगे, शनि बुध और सूर्य कुंभ राशि में तीसरे भाव में गोचर करेंगे, राहु आपके चौथे भाव में मीन राशि में, गुरु पंचम भाव में मेष राशि में और केतु दशम भाव में कन्या राशि में गोचर करेंगे। राशि परिवर्तन की बात करें तो 15 मार्च को मंगल का राशि परिवर्तन होगा, मकर राशि को धन भाव को छोड़कर तीसरे भाव में कुंभ राशि में गोचर करेंगे, यहां पर रहेंगे 23 अप्रैल तक। उसके बाद 23 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके मंगल मीन राशि में राहु के साथ गोचर करेंगे 1 जून तक। 1 जून को राशि परिवर्तन करेंगे तो पंचम भाव में मेष राशि में गोचर करेंगे, मंगल अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। इसके बाद बात करें बुध के बारे में तो बुध 7 मार्च को राशि परिवर्तन करेंगे, 7 मार्च को बुध मीन राशि में राहु के साथ गोचर करेंगे, लेकिन बुध अभी अस्त चल रहे हैं और 12 मार्च तक ये अस्त रहेंगे। उसके बाद जो है 26 मार्च तक ये मीन राशि में रहेंगे, उसके बाद जो है ये मेष राशि में आ जाएंगे, तो मेष राशि में जो है 26 तारीख से गोचर करेंगे। उसके बाद जो है ये पुनः वक्री हो जाएंगे तो मीन राशि में आ जाएंगे, फिर मार्गी हो जाएंगे तो मेष राशि में आ जाएंगे। जून तक इनका सिलसिला चलता रहेगा, अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के फल देने का काम बुध करने वाले। बुध के बाद यदि हम बात करें शनि की तो शनि अभी अस्त चल रहे हैं, 12 फरवरी से 18 मार्च तक शनि भी अस्त है और शनि अस्त होने के कारण जो है शनि के सकारात्मक परिणाम और नकारात्मक परिणाम दोनों प्रकार के परिणामों में कमी देखने को मिलेगी। यदि किसी को अशुभ परिणाम दे रहे थे तो अब जो है अशुभ परिणाम नहीं मिलेंगे, किसी को शुभ परिणाम दे रहे थे तो शुभ परिणाम में भी कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलेगी। 18 मार्च के बाद शनि की स्थिति जो है आपके लिए बेहतर हो जाएगी, आपको अच्छा लाभ देने का काम करेंगे। शुक्र 7 मार्च को राशि परिवर्तन करेंगे, कुंभ राशि में आ जाएंगे, तो शुक्र यहां पर 31 मार्च तक रहेंगे। उसके बाद 31 मार्च को मीन राशि में आ जाएंगे, उच्च राशि में गोचर करेंगे, मालव्य राजयोग बनाएंगे, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, एक अच्छी स्थिति रहेगी। ये मीन राशि में रहने वाले हैं 24 तारीख तक, 24 अप्रैल तक बहुत अच्छे परिणाम देंगे, उसके बाद ये भी अस्त हो जाएंगे और ये राशि परिवर्तन करेंगे, मेष राशि में आ जाएंगे। मेष राशि में 24 तारीख को आ जाएंगे लेकिन ये अस्त रहेंगे तो कुछ विशेष परिणाम नहीं दे पाएंगे। 66 दिनों के लिए शुक्र अस्त रहेंगे, लगभग 2 महीने तक, और 2 महीने तक ये अस्त रहेंगे, फिर ये आपको जून के महीने में 6 जून के बाद अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। तो शुक्र की स्थिति इस प्रकार रहने वाली है। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो ग्रहों का जो राशि परिवर्तन है वो आपके लिए बेहतर रहने वाला है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गुरु के बारे में, जो कि राशि के स्वामी है और गुरु आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, यहाँ पर सदैव अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं, स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा, कॉन्फिडेंस आपका बहुत बहुत अच्छा रहेगा, साथ ही साथ शिक्षा के लिए समय बेहतर रहेगा, विद्यार्थियों के लिए समय बढ़िया है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, संतान के लिए कोई समस्या यहाँ पर नहीं है और फाइनेंशियल स्थिति के लिए भी बेहतर यहाँ पर गुरु माने जाते हैं, अच्छे लाभ देने का काम करते हैं। लव लाइफ के लिए भी अच्छा समय है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। 1 मई तक गुरु यहाँ पर रहने वाले हैं और 1 मई तक गुरु आपको लाभ देने का काम करेंगे। गुरु आपको शेयर मार्केट में भी अच्छा लाभ देने का काम करते हैं। इनकी पंचम दृष्टि भाग्य भाव में होने के कारण भाग्य का साथ भी मिलेगा, सप्तम दृष्टि लाभ भाव में होने के कारण लाभ देंगे, आय के स्रोत बढ़ाएंगे और नवम दृष्टि लगन में होने के कारण स्वास्थ्य, कॉन्फिडेंस और नई अपॉर्चुनिटी देने का काम करते हैं। तो गुरु मई के महीने तक, 1 मई तक बहुत अच्छे परिणाम देंगे। 1 मई के बाद
राशि परिवर्तन होगा, ये छठे भाव में आ जाएंगे और छठे भाव में उतने बेहतर रिजल्ट देखने को नहीं मिलते हैं और यहाँ पर ये अस्त भी हो जाएंगे। लगभग ये जैसे ही राशि परिवर्तन करेंगे अस्त हो जाएंगे एक महीना के लिए, तो जून तक ये अस्त रहेंगे, फिर जून के बाद कुछ अच्छे परिणाम देंगे। तो बृहस्पति की यदि हम बात करें तो मई के महीने तक बृहस्पति आपको अच्छा सपोर्ट करेंगे, अच्छा लाभ देने का काम करेंगे, जाते जाते कुछ अच्छा बड़ा फायदा दे करके जाएंगे, तो ये एक अच्छी स्थिति रहेगी। इसके बाद मंगल की बात करें तो 15 मार्च तक मंगल धन भाव में गोचर करेंगे। धन भाव में मंगल बहुत अच्छे परिणाम देते हैं, धन के लिए स्रोत पैदा करते हैं, धन लाभ होता है, कुटुंब परिवार की स्थिति को बेहतर बनाते हैं। और मंगल आपके पंचम भाव के मालिक है तो शिक्षा, संतान, लव लाइफ, वैवाहिक जीवन को बेहतर बना देते हैं। तो यहाँ पर मंगल 15 मार्च तक रहेंगे, अचानक आपको धन मिल सकता है, ससुराल पक्ष से भी मिल सकता है, रिकवरी आ सकती है, कोई पैसा आपका यदि फंसा था कोई दे नहीं रहा था तो वो भी दे सकता है, एक ऐसी स्थिति यहाँ पर निर्मित हो रही है, कहीं ना कहीं धन लाभ आपको देखने को मिलेगा, या तो फॉरेन से पैसा आ सकता है, तो कुछ न कुछ स्थिति यहाँ पर बनेगी। मंगल राशि परिवर्तन करेंगे 15 तारीख को, तीसरे भाव में आ जाएंगे कुंभ राशि में, यहाँ पर भी अच्छे परिणाम देंगे, लेकिन भाइयों के साथ संबंध थोड़ा खराब हो सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये एक अच्छी स्थिति भाइयों के लिए अच्छी नहीं है। कम्युनिकेशन वालों क्षेत्रों के लिए भूमि भवन प्रॉपर्टी के लिए अच्छी मानी जाती है यहाँ पर स्थिति, कम्युनिकेशन के लिए अच्छी स्थिति है। जो लोग ठेकेदारी से जुड़े हुए कार्य करते हैं, कमीशन से जुड़े हुए काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी समय बेहतर रहने वाला है। तो मंगल 23 अप्रैल तक यहाँ पर अच्छे परिणाम देंगे, उसके बाद चौथे भाव में आ जाएंगे। राहु के साथ अंगारक दोष भी यहाँ पर बनेगा, माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता बनी रहेगी, थोड़ा मानसिक टेंशन भी रहेगा, लेकिन भूमि भवन प्रॉपर्टी में अच्छा लाभ होगा, ये एक अच्छी स्थिति रहेगी। तो यहाँ पर कुछ मंगल अच्छे लाभ भी देंगे और कैरियर के लिए यहाँ पर मंगल अच्छे हैं, कैरियर में अच्छा सपोर्ट मिलेगा, नौकरी में, व्यापार में, बिजनेस में यहाँ पर मंगल अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। 1 जून को मंगल आपके पंचम भाव में आ जाएंगे तो यहाँ पर अपनी राशि में गोचर करेंगे, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। मंगल यहाँ पर आपके कैरियर को बढ़िया बनाएंगे, शिक्षा को बढ़िया बनाएंगे, संतान का योग बनेगा, जिनको संतान नहीं है संतान के लिए अच्छी स्थिति यहाँ पर बनेगी, लव लाइफ के लिए स्थिति बेहतर रहेगी, फाइनेंशियल स्थिति को बेहतर करेंगे, तो मंगल यहाँ पर अच्छे परिणाम देंगे। इसके बाद जून जुलाई में भी मंगल की स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है, तो मंगल जो है आपको बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, ये एक अच्छी स्थिति आपके लिए। मंगल के बाद यदि हम बात करें बुध के बारे में तो 7 मार्च को बुध का राशि परिवर्तन होगा। 7 मार्च तक बुध जो है ये आपके तीसरे भाव में रहेंगे, लेकिन ये अस्त रहेंगे, कोई विशेष परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। उसके बाद यदि हम बात करें तो ये राहु के साथ गोचर करेंगे मीन राशि में, नीच के होंगे, यहाँ पर अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। मीन राशि में 26 मार्च तक रहेंगे, 26 मार्च तक कोई खास अच्छे परिणाम देखने को बुध के नहीं मिलेंगे। वैवाहिक जीवन और कैरियर में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, कोई बदलाव नहीं करना है 26 मार्च तक, क्योंकि 26 मार्च तक बुध की स्थिति अच्छी नहीं है और बुध आपके कैरियर के मालिक है, वैवाहिक जीवन के मालिक है, कुछ दिक्कत परेशानियां दे सकते हैं, कोई बदलाव आपको नहीं करना है, कोई चेंजेस नहीं करना है, जैसा आप कर रहे हैं वैसे करते रहिए। 26 मार्च के बाद जब ये मेष राशि में आ जाएंगे तो स्थिति बदलेगी, कुछ अच्छे लाभ मिलेंगे, कैरियर के लिए अच्छे लाभ मिलेंगे, नौकरी में अच्छी स्थिति रहेगी, व्यापार की स्थिति बेहतर रहेगी। तो ये समझ जाइए कि बुध जो है आपको 26 मार्च के बाद अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, लेकिन पुनः ये वक्री हो जाएंगे अप्रैल के महीने में, फिर जून के महीने में मिक्सर फल देने का काम करेंगे, मिले जुले परिणाम देने का काम करेंगे, तो बुध का उपाय भी आप करें तो बेहतर रहेगा। ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र का जप करें बेहतर रिजल्ट के लिए। बुध के बाद यदि हम बात करें शनि की तो शनि जो है अस्त रहेंगे 18 मार्च तक। शनि जो है वैसे तो आपको अच्छे परिणाम देने वाले हैं क्योंकि शनि तीसरे भाव में अच्छे परिणाम देते हैं, लेकिन यदि नकारात्मक परिणाम आपको मिल रहे थे, यदि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति बेहतर नहीं थी, तो अब जो है लगभग 35-36 दिनों तक अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। 18 मार्च तक आपको शनि अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। जिन लोगों की कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी थी उन लोगों के लिए यदि देखा जाए तो यहाँ पर सामान्य परिणाम देखने को मिलेंगे, 18 मार्च के बाद उन लोगों को अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो शनि से संबंधित जो है आपको लाभ ही होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, धन लाभ देंगे। यदि आप शनि के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं तो वहां पर भी अच्छे लाभ आपको देखने को मिलेंगे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ चिंताएं जरूर थी शनि को लेकर के, शनि शिक्षा में बाधा भी डाल रहे थे,
फाइनेंशियल स्थिति में समस्या देने का काम कर रहे थे, आर्थिक स्थिति भी उतनी मजबूत नहीं थी, काम बन नहीं रहे थे, रुकावटें आ रही थी, तो ये समय जो है आपके लिए बेहतर रहेगा, अच्छी स्थिति रहेगी। शुक्र की बात करें तो 7 मार्च को शुक्र जो है कुंभ राशि में आ जाएंगे, यहां पर भी अच्छे परिणाम देंगे और धन भाव में 7 मार्च तक रहेंगे, तो धन लाभ देने का काम करेंगे, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का काम करेंगे, ये एक अच्छी स्थिति है। तो धन भाव में भी शुक्र अच्छे परिणाम देंगे, तीसरे भाव में भी यात्राओं का योग बनाएंगे, भाई बहनों के संबंधों को मजबूत करने का काम करेंगे, और ये मीन राशि में जब चौथे भाव में आ जाएंगे तो भौतिक सुखों में वृद्धि भी करेंगे, लग्जरियस लाइफ देने का काम करेंगे, और मीन राशि में 31 मार्च को आ जाएंगे, जबरदस्त लाभ देने का काम यहाँ पर करते हैं, भूमि वन प्रॉपर्टी के योग बन सकते हैं और कैरियर में एक अच्छी स्थिति आपकी रहेगी, तो शुक्र के परिणाम आपके लिए बेहतर रहेंगे। 31 मार्च को मीन राशि में रहेंगे, 24 तारीख के बाद ये मेष राशि में आ जाएंगे, 24 अप्रैल को जब मेष राशि में आ जाएंगे तो यहाँ पर अस्त रहेंगे, अप्रैल मई जून तक ये अस्त रहेंगे, तो कोई खास परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे, जून और जुलाई के महीने में शुक्र के अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। शुक्र भौतिक चीजों के कारक है, लग्जरियस लाइफ के कारक है, भौतिक चीजों का सुख जो है आपको मिलेगा, लेकिन अप्रैल मई और जून के 6 तारीख तक का समय जो है वो उतना बेहतर आपके लिए नहीं है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। सूर्य के बारे में बात करें तो सूर्य जो है तीसरे भाव में अच्छे परिणाम देते हैं, भाग्य में वृद्धि करेंगे, बल पराक्रम में वृद्धि करने का काम करेंगे, उसके बाद ये 15 मार्च के बाद देखा जाए तो राहु के साथ ग्रहण योग बनाएंगे, तो अच्छा नहीं है ये योग, कहीं ना कहीं थोड़ा सा मानसिक टेंशन डिप्रेशन जैसी स्थिति यहाँ पर बन जाएगी कुछ दिनों के लिए, अप्रैल के बाद पुनः स्थिति सुधर जाएगी और भाग्य का अच्छा साथ मिलेगा, नौकरी वालों के लिए, सरकारी नौकरी वालों के लिए, राजनीति वालों के लिए अच्छी स्थिति रहेगी, तो जो सरकार से जुड़े हुए काम कर रहे हैं अप्रैल के बाद की स्थिति बहुत अच्छी है, अप्रैल मई जून जुलाई का समय बेहतर रहने वाला है, सूर्य की स्थिति आपके लिए बेहतर रहने वाली है। राहु चौथे भाव में कुछ परेशानियां जरूर देते हैं, फालतू का टेंशन, माता के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव, चिंताएं रहना, ये सब समस्याएं देते हैं, भ्रमित रहना, कंफ्यूज रहना, डिसीजन ना ले पाना, तो चौथे भाव में कुछ परेशानियां देते हैं। केतु जो है दशम भाव में मिले जुले परिणाम देने का काम करते हैं, अच्छे माने जाते हैं, वैसे देखा जाए तो केतु की स्थिति आपके लिए बेहतर रहने वाली है, तो केतु जो है आपको सपोर्ट करेंगे कैरियर के लिए, कैरियर में एक अच्छी स्थिति बनाने का काम करेंगे, और कैरियर के लिहाज से यदि देखा जाए तो समय आपका बढ़िया रहेगा, नौकरी के लिए अच्छा रहेगा, व्यापारिक स्थिति के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन बुध का उपाय जरूर करें क्योंकि कैरियर के मालिक है, अस्त रहेंगे, राहु के साथ गोचर करेंगे, मीन राशि में गोचर करेंगे, तो उतनी अच्छी स्थिति नहीं है बुध की, तो बुध का उपाय आपको जरूर करना चाहिए, और बुध को यदि आपने मजबूत कर लिया तो अच्छे परिणाम देखने को जरूर मिलेंगे। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो धनु राशि वालों के लिए भी समय बेहतर रहेगा, लेकिन बुध का उपाय आपको करना जरूरी है। तो दर्शकों आज बस इतना ही, धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें, साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।